अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर, और किचन विद कौसर में बहुत ही मज़ेदार सी रेशमी कबाब बिरयानी बनने लगी है। और ये रेशमी कबाब बिरयानी इतनी मज़ेदार है कि आपके मेहमान आएंगे और रेसिपी पूछने में मजबूर हो जाएंगे। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने कैसे बनाई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन का कीमा लिया है मैंने आधा किलो, बीफ और चिकन कोई भी आप ले सकते हैं। सूरज मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हरी मिर्चें मैंने 4 अदद ली हैं, उसको बारी बारी काट लिया है। प्याज मैंने चॉप की हुई है, इसका पानी निकाल दिया है, 1 अदद है ये प्याज, पानी में प्याज नहीं होना चाहिए। और बेसन लिया 2 टेबल स्पून, और लहसुन अदरक लिया है मैंने 1 टीस्पून। तो पहले हम कीमे में ही मिक्स कर देंगे सारे मसाले। हरी मिर्चें भी डाल देंगे, प्याज भी डाल देंगे। और मैं आपको बताऊँ, ये मैंने बीफ का कीमा लिया है, ये चिकन का कीमा नहीं है। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, और ये डाल देंगे बेसन इसके अंदर, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। हाथों की मदद से मिक्स करना है, क्योंकि चमचे से इतना अच्छा मिक्स नहीं होता, तो मैं इसको हाथों की मदद से अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो सारा मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ, और देखें ये सारा मिक्स हो चुका है, और मैं इसको आधे घंटे के लिए रख दूंगी। और आधा घंटा हो गया है, तो चले आइए देख लेते हैं इसको। आधा घंटा इसमें रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये अच्छे मसाले मिक्स हो जाते हैं, और बेसन भी इसमें अच्छा सा मिक्स हो जाता है, तो इससे टूटते नहीं है। और एक इस तरह की कबाब वाली सीख ले लें, और थोड़ा सा पीस उठाएँ, उसको पहले हल्का हल्का सा दबा लें, ताकि ये टूटे ना लगाने में। तो इस तरह लगा कर हमने सीख में लगाना है, ताकि आसानी से कबाब बन सके। और ये सीख में इस तरह लगा लें आप, और हल्का हल्का इसको प्रेस भी करते जाएं, और आराम से आहिस्ता आहिस्ता इसको खींचते भी जाएं अपनी तरफ। अगर आपको बेसन कम लग रहा है, तो 1 चम्मच और बेसन डाल दें इसमें, बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है बेसन। और इसको इस तरह देखें, दबाएं इस शेप में, ऐसे जैसे कबाब मिलते हैं इस शेप में, अंगूठा रख के इसको दबाना है, और आराम से निकाल लेना इसको, और एक प्लेट में रख देना इसे इस तरीके से। और सारे इसी तरह मैं बना के दिखाती हूँ आपको। तो दूसरा उठा के वो भी इसी तरीके से हम करेंगे, एक ही साइज़ के, एक ही शेप में बनाने हैं हमने। इस तरह आराम आराम से दबाते जाएं, बहुत ही आसान है बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। आपने बस कॉन्फिडेंस के साथ ये काम करना है, अगर कॉन्फिडेंस होगा तो बहुत अच्छे से बनेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। और सारे इसी तरह बना लूंगी मैं, और ये देखें सारे इसी तरह बना लिए हैं। तो इसको हम फ्राई कर लेंगे अब, हल्का सा हमने ऑयल लेना है, इसको ज़्यादा ऑयल नहीं लेना, यही 3 या 4 टेबलस्पून ऑयल लेना है। और इसको आराम आराम से रखते जाएंगे, ज़्यादा ऑयल में इसको फ्राई करेंगे तो ये टूट जाएंगे। तो हमने हल्के ऑयल में फ्राई करना है इसको, हमने इसको इतना फ्राई करना है ये आपस में जुड़ जाए, इसको हमने ज़्यादा कुक नहीं करना, जितने इसमें आ सकते हैं आप रख दें, और ज़्यादा बिल्कुल ना रखिएगा, वरना चमचा चलाना मुश्किल हो जाएगा। और 1 से 2 मिनट पकाएंगे इसको, और 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, तो इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। ये देखें अच्छी सी, कितना अच्छा कलर आया, रेड रेड कलर आया है, तो ये जुड़ भी गए हैं। दूसरी साइड से भी सेकेंगे, ताकि और मज़ीद जुड़ जाएंगे। तो दूसरी साइड से भी 1 से 2 मिनट और पकाएंगे इसे हम। सारे इसी तरह साइड चेंज कर दूंगी, और ये सारे साइड चेंज कर दी थी मैंने, ये भी पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। और देखिए ये साइडें जो हैं ये पक्की नहीं है, इसको भी हम थोड़ा सा पका लेंगे, कलर एक जैसा आ जाए सब तरफ।
तो सबको मैं उलट पलट कर दूंगी। और एक बात ध्यान रखना है आपने कि कीमा जो है बारीक मशीन का होना चाहिए, मोटा कीमा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उसको कहना बारीक मशीन का कीमा निकाल के दे, अगर आपने मोटा लिया तो ये टूट जाएंगे। तो इसको मैं आराम आराम से निकाल लूँगी। और बाकी के जो रह गए वो भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। सेम प्रोसीजर है उसी तरीके से, एक से दो मिनट पहले पकाना है, फिर दूसरी साइड से पकाना है एक से दो मिनट। तो इनको भी निकाल लेंगे हम। आप चाहें तो चिकन के कीमे के भी बना सकते हैं। और ये सारे फ्राई हो गए थे, मैंने डिश आउट कर दिए हैं। तो अब मैं बताऊंगी आपको बिरयानी का। तो चलें आइए स्टार्ट करते हैं। बिरयानी के लिए कढ़ाई लिए मैंने, और इसमें डाल दूंगी एक कप ऑयल का। बड़ा कप लिया है मैंने ऑयल का, क्योंकि चावल एक किलो हैं तो एक कप ऑयल का इसमें जाएगा। और प्याज लिए हैं मैंने चार अदद, बारीक बारीक उसको स्लाइस में काट लिया था। इस तरीके से ये डाल देंगे इसमें। इसको अभी हम फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने में ज़रा टाइम लगता है, 5 से 7 मिनट या 10 मिनट भी लग सकते हैं। तो इसको फ्राई कर लें, और ज़्यादा इसको गोल्डन कलर नहीं देना। और देखिए बस इतना ही इसको फ्राई करना है। तो फ्राई करने के बाद मैं टमाटर डालूंगी इसके अंदर। टमाटर मैंने काट लिए थे, गोल्डन रंग नहीं देना ज़्यादा इसको। टमाटर लिए हैं मैंने 4-5 अदद, और उसको मैंने गोल शेप में काट लिया था। हरी मिर्च लिए हैं 4 से 5 अदद, इसको 2 पीस कर लिए थे, ये भी डाल देंगे इसके अंदर। और पानी डाल देंगे इसके अंदर 1 कप। और टमाटर और प्याज को हमने गलाने के लिए पानी डाला है, तो 10 मिनट के लिए इसको मैं कवर कर दूंगी ताकि नरम हो जाए प्याज और टमाटर। तो 10 मिनट हो चुके हैं, और देखें काफ़ी अच्छे से नरम हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो इसको ग्राइंड कर सकते हैं। अगर आपसे मुश्किल हो रही है इसको पकाने में, यानी कि खड़े खड़े नज़र नहीं आने चाहिए, तो मैं इसको इसी में ही पकाऊंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट जो लिया है मैंने 1-1 टेबलस्पून भर के लिया है, दोनों चीज़ें 1-1 टेबलस्पून लेनी है, ये इसमें डाल दूंगी। ज़ीरा लिया है 1 टेबलस्पून, जायफल जवत्री लिए थोड़ी थोड़ी सी, मैंने बादियन का फूल लिया है। और एक आपके लिए सवाल है, आपने मुझे बताना है कि इसका नाम क्या है, इसको गरम मसाला है और इसको क्या कहते हैं। ये आज आपके लिए इम्तिहान है। और ये डाल देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे। और नमक लिया है 2 टेबलस्पून, सूखी मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, और कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, ये भी इसमें डाल देंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। और इसको मिक्स कर लेंगे, इसको पकाएंगे हम 15 से 20 मिनट इसको पकाएंगे। और देखें 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, और कितने अच्छे से मसाले पक गए हैं। और प्याज और टमाटर भी देखें आप किस तरह घुल गए हैं अंदर। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार मसाले हैं ये सारे। और दही ली थी मैंने 1 प्याली, दही भी डाल देंगे इसके अंदर। और ये मैंने गरम मसाला डाला है 1 टेबलस्पून। और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून। आपके पास अगर कसूरी मेथी नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। बिना कसूरी मेथी के भी बहुत अच्छी सी बनेगी ये रेशमी कबाब बिरयानी। और इसको मैं कवर कर दूंगी 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। पानी भी इसका खुश्क हो चुका है। और इसमें डाल दूंगी हल्दी, हल्दी बताना मैं भूल गई थी आपको। और थोड़ा सा मैंने ये जायफल का पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून।
इसको मिक्स कर लेंगे और कबाब इसमें रख देंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता से आपने कबाब रखने ताकि टूटे ना। ये देखें ये कबाब हैं। अब कबाब इसलिए रख रहे हैं ताकि इसके अंदर भी मसाला अच्छा सा रच बस जाए और खुशबू आए सारे मसालों की जो हमने डाले थे। आराम आराम से इसको रखते जाएं और चमचा ज़्यादा नहीं चलाना इसके अंदर, वरना आपको मालूम है कबाब टूट सकते हैं। इसी तरह आपने रेसिपी फॉलो करनी है तो आपकी बहुत ही मज़ेदार सी रेशमी कबाब बिरयानी तैयार होगी और सारे ही उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी मज़ेदार ये बिरयानी होती है। इसको कवर कर दूंगी 5 मिनट के लिए और 5 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। आप चाहें तो इसी तरह खा सकते हैं इसको। और थोड़ा सा मैं डाल दूंगी जरदार रंग फूड कलर ताकि अच्छा सा रंग आए इसके अंदर। फूड कलर डालने से पहले आप अगर चाहें रोटी से खाना तो इसको खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं ये। और ये हमारे रेडी हो गए हैं और मैं चावल बॉयल हो गए मेरे, तो चावल इसमें डाल के मैं आपको दिखाऊंगी। तो चले आइए चावलों की तेल लगा लेते हैं। चावल मैंने बॉयल कर लिए थे, चावल 1 किलो लिए थे मैंने और मैंने इनको 90% गलाया था चावलों को, पूरा 100% नहीं गलाना क्योंकि हमने दम लगाना है तो उसमें भी 10 मिनट ये पकेंगे तो फिर ये 100% हमारे हो जाएंगे और फिर खिले खिले होंगे। आप बिल्कुल इसी तरह रेसिपी फॉलो करिएगा, देखिएगा चावल कितने अच्छे बनेंगे खिले खिले। और अब इसमें डाल देंगे रेशमी कबाब इस तरीके से। बिरयानी तो आप लोगों ने बहुत खाई होगी लेकिन ऐसी बिरयानी आपने कभी नहीं खाई होगी, बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी बिरयानी और बहुत ही टेस्टी बिरयानी है, 12 मसाले वाली बिरयानी। और ये बच्चों ने तो बहुत ही शौक से खानी है। और इसमें धनिया पुदीना ऐड कर देंगे। पहले मैंने धनिया डाला था और ये पुदीना डाला है अब। और चंद टमाटर डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे इसके अंदर इस तरीके से। अब इसके ऊपर दूसरी तेल लगाएंगे हम चावलों की, तो चावल डाल देंगे। चावल मैंने 1 किलो लिए थे और मैंने इसको पतीला, आधा पतीले से ज़्यादा पानी था तो उसमें बॉयल जब आ गया था तो मैंने इसमें चावल डाल दिए थे। और चावल डालने से पहले मैंने उसके अंदर थोड़ा सा दालचीनी और एक इलायची, एक बादियान का फूल डाला था और नमक डाला था। नमक डाला था मैंने 4 टेबल स्पून पानी के अंदर 1 किलो चावल में। तो इसी तरह आपने डाल के बॉयल कर लेना है। और अब दूसरी तेल लगा लेंगे रेशमी कबाब की। ये जो हमने इसमें जरदा रंग डाला है इससे कलर बहुत अच्छा आता है बिरयानी का, तो पहले आपने लाजमी डालना है जरदा कलर, चाहे आप कोई सी भी बिरयानी बना रहे हैं या चिकन बिरयानी पका रहे हैं तो उसमें भी डालना है आपने, या बीफ बिरयानी बना रहे हैं तो उसमें भी डालना है आपने, डालना आपने आखिर के अंदर है सालन में। और फिर से वही हम डाल देंगे टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, इनकी अपनी ही बहुत अच्छी खुशबू होती है, ये सारी चीज़ों से मिलके बिरयानी A1 बनती है। अब आखिरी तेज़ के ऊपर चावल डाल देंगे इस तरीके से। चावल डाल के फैला देंगे सारे में। इसमें देखें मैंने कोई बिरयानी मसाला बाहर का नहीं डाला, घर के सारे मसाले हैं। और ऑयल डाल देंगे साइडों में इसके और दरमियान में भी इस तरीके से ताकि चावल चिपके ना। और मैंने जरदा रंग डाल दिया था बाद में,
तो वो वीडियो स्किप हो गई थी। और ये देखे मैंने 10 से 15 मिनट इसको दम दिया था, और इसको हम चमचा चला लेते हैं। ज़बरदस्त से चावल बने, बहुत ही VIP से चावल बने माशाल्लाह। और देखें कितने खिले खिले हैं, तो इनको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। और कलर कितना अच्छा आया है, तो ये मैंने डिश आउट कर लिया है। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें। और मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपकी बिरयानी कैसी बनी है। और मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।